नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। साल के ही पहली कैबिनेट बैठक से पहले नीतीश कैबिनेट के कुल चार चेहरे कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। बैठक में शामिल होने के पहले सभी मंत्रियों और अधिकारियों की कोरोना जांच कराई गई थी। इस जांच में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के अलावा मंत्री अशोक चौधरी और सुनील कुमार भी संक्रमित पाए गए हैं। वैक्सीन लेने वाले व्यक्तियों को भी संक्रमित करता है, अतः सावधानी बरतना अनिवार्य है। अरे क्या हुआ कैबिनेट की मीटिंग में? सर वो किनारे उतर जाते हैं, उतर जाते हैं, उतर उतर जाते हैं सर, उतर जाइए। वो तो ब्रीफिंग होगी, बड़ा निर्णय हुआ है। कितने एजेंडों पे सर मोहर लगी सर? वो कैबिनेट से ब्रीफिंग होगी उसकी। अब हमारा गाड़ी आगे बढ़ा नहीं, कैबिनेट की बैठक हुई है। अरे हाँ, कैबिनेट की बैठक हुई है जिसके में कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं और कई दो उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री पॉजिटिव हुए, वो वर्चुअल जुड़े हुए थे। और यहाँ पर आज पहली बैठक हुई, लेकिन उसमें सारे मंत्री यहाँ नहीं थे, वर्चुअल ही जुड़े हुए थे। लेकिन पूरी गाइडलाइन दी गई है, सबको अपना ध्यान रखने को कहा गया है। हम लोग जो निगेटिव रिपोर्ट वाले थे वो बैठक में यहाँ पे आए थे, और जो पॉजिटिव हुए थे वो कई लोग जुड़े और कई लोग नहीं भी जुड़े। लेकिन कोरोना का ध्यान रखना है, सबको अलर्ट रहना है, मास्क की पाबंदी करनी है, और मीडिया के लोगों को भी अपना खास ध्यान रखना है। कितने पॉजिटिव मंत्री हुए सर? कितने पॉजिटिव मंत्री हुए हैं अभी तक? तो तीन की सूचना है। कौन कौन सर? ये दोनों डिप्टी सीएम साहब के बारे में और एक अन्य मंत्री के बारे में। जनक भवन निर्माण मंत्री है सर? भवन निर्माण मंत्री भी सर शामिल है? जनक राम नहीं, जनक जी आए थे लेकिन उनका टेस्ट नहीं हुआ था इसलिए वो वर्चुअल जुड़े नहीं। तमाम महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए बने रहिए नेशन भारत के साथ। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।